मुत्तावली, मुत्तावली एक कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लोगों का, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मुत्तावली इज नथिंग बट द मैनेजर ऑफ द वकफ। वकफ क्या होता है? वकफ एक ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जो एक पर्सन मैनकाइंड के लिए दान दे देता है। बाकी इसके बारे में डीप में जानने के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, प्रॉपर आप उसको देख लीजिएगा। मुत्तावली उस वकफ का मैनेजर होता है, वो जो मुत्तावली पर्सन होता है वो ओनर नहीं कहलाता, ट्रस्टी नहीं कहलाता, बस वो मैनेजर होता है। वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और कुछ नहीं करता। जो मैनकाइंड के लिए प्रॉपर्टी दे दी गई है, अच्छे काम के लिए प्रॉपर्टी दे दी गई है, उसको वो सिर्फ मैनेज करता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कौन मुत्तावली बन सकता है? मुत्तावली कोई भी बन सकता है जो पर्सन मुस्लिम हो, जिसने मेजोरिटी की एज कंप्लीट कर रखी हो और जो सॉन्ग माइंडेड हो। अगर तीन ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है बंदा, तो वो मुत्तावली के लिए अप्लाई कर सकता है। वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को मुत्तावली बना दीजिए, ठीक है ना। कोई फॉरनर या फिर कोई हिंदू मुत्तावली कभी नहीं बन सकता, ये मुस्लिम लोगों का कॉन्सेप्ट है, तो बस ये मुस्लिम ही बन सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन राइज होता है कि मुत्तावली को अपॉइंट कौन करता है? जो सबसे पहले तो बंदा वो अपॉइंट कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है, लाइक ए बंदे की प्रॉपर्टी है, तो उसके पास राइट है कि कोई भी पर्सन को वो मुत्तावली के लिए अपॉइंट करे, या फिर वो खुद को भी मुत्तावली के लिए एज अ मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी अपॉइंट कर सकता है कि आसिफ भाई मैं इस प्रॉपर्टी को मैनेज करूंगा, ठीक है ना। अगर वकफ बनाते टाइम कोई मुत्तावली अपॉइंट नहीं करते, तो कुछ कंडीशंस है कि कैसे कैसे एक मुत्तावली को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। देखो, अगर मुत्तावली बनाते वो वकफ बनाते टाइम अगर मुत्तावली अपॉइंट नहीं करते, तो सबसे पहले तो भाई हमारा वो ही रहेगा, क्या कहते हैं, मैनेजर, सॉरी फाउंडर, फाउंडर ऑफ द प्रॉपर्टी ही कहेगा कि पहले मैं मुत्तवली बनूंगा। अगर वो मना कर देता है, तब क्या होता है, या तो फाउंडर या फिर एग्जीक्यूटर ऑफ द फाउंडर, जो फाउंडर के रिलेटिव्स वगैरह है वो, या फिर मुत्तवली ऑन हिज डेथ बेड, मतलब कि लाइक कोई प्रॉपर्टी है वो बहुत टाइम से उसमें है, क्या कहते हैं, वकफ में, और उसको एक पर्सन मैनेज कर रहा है, मुत्तवली कर रहा है, बट उसकी अब एज हो चुकी है, अब वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो वो मरने से पहले भी अपनी उस प्रॉपर्टी का किसी और को मुत्तवली बना सकता है, ठीक है ना। या फिर कोर्ट, अगर ये सारी कंडीशन नहीं होती तो कोर्ट भी बना सकती है किसी एक पर्सन को मुतवली किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। अब पावर ऑफ मुतवली, मुतवली के पास एक ये पावर होती है कि जो वकफ प्रॉपर्टी है वो ही हैज दी अथॉरिटी टू यूज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वकफ। वो जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छी तरीके से यूज करने का पावर होता है उसके पास, फॉर द गुड गुड फेयर, मतलब वेलफेयर, गुड फेथ, इन सब के लिए, ठीक है ना। ही इज अथोराइज टू टेक एक्शन इन गुड फेथ। वो गुड फेथ में एक्शन ले सकता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लाइक उस प्रॉपर्टी पे अब समझ लीजिए एनजीओ लेगा, जहाँ पे लोगों को कपड़े वगैरह मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, तो वो उसको गुड फेथ के लिए यूज़ कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी को। क्या कहते हैं, ही कैन फाइल अ सूट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वकफ, ठीक है। ही हैज़ अ पावर टू लीज द प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर फॉर पर्पज फॉर लीज फॉर लेस देन 3 ईयर, एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्सन फॉर लेस देन 1 ईयर। वो उस प्रॉपर्टी को मतलब लीज पे दे सकता है। अगर एग्रीकल्चर पर्पज से दे रहा है तो वो 3 साल तक दे सकता है। अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से दे रहा है तो वो 1 साल तक उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है। अब रिमूवल ऑफ मुत्तवली कौन कौन कर सकता है? एक तो कोर्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है भाई, कोर्ट कर सकता है। दूसरा है वकफ बोर्ड, जो वकफ के बोर्ड मेंबर्स होंगे वो उस मुतवल्ली को रिमूव कर सकते हैं, अगर वो अपना काम वगैरह ठीक से नहीं कर रहा है तो। या फिर वाकिफ, जो प्रॉपर्टी का फाउंडर है वो उसको रिमूव कर सकता है मुतवल्ली को। तो ये था सारा का सारा मुतवल्ली के बारे में। और अगर आपको वकफ के बारे में जानना है, तो मैंने उसका वो ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं।